सगुन आ गई दोस्तों स्कूल से, और एक बात आप लोग से बताना जरूरी है। मैं ना जब इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे काम करना था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास रहने के लिए कि कुछ दिन रहो, हम कुछ काम वाम करेंगे, पता भी कर लिए थे, मगर सब चला गया। तो इसीलिए हम भी सोचे कि लोगों से बात करके क्या फायदा, अपना जो परेशानी है वो तो हम ही को देखना है, बच्चों को लेके मरना है जीना है, कैसे क्या करना है। तो बातचीत हम बिल्कुल नहीं किए थे, जब आई थी गई थी उसके बाद मैंने सारा नंबर ब्लॉक मार दिया था कि जब मुझे इसी हाल में रहना है तो फिर क्यों किसी से उम्मीद रखे। लेकिन लोग मुझे छोड़ते नहीं है, कहने का मतलब है ना मरने देंगे ना जीने देंगे। राधे राधे दोस्तों, प्रीति दृश्य ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साथ में वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह हो गया है, सब लोग अपने अपने जा चुके डेस्टिनी में, मैं घर में हूँ और मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, पानी पटा रही। दोस्तों इधर एक दो सप्ताह से बारिश नहीं हुई है, मेरा फूल पौधा पूरा सूख गया था, तो ये सब करना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो सब्जियां मर जाएंगी। और जाने वाला लोग इतना खराब खराब बोल के जाता है ना, माथा खराब हो जाता है दोस्तों, बड़ा टेंशन लगता है, पहाड़ लगता है पूरा दिन बिताना। आप लोग मेरा दिन अच्छा कर सकते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। देखिए पानी पटाना ज़रूरी है, और सामने वाले घर में बोरिंग हो रहा दोस्तों, जिसका सुबह से बहुत आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए घर भर आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा। बस यही दुआ है कि पानी निकल जाए भगवान जिसका भी है, क्योंकि मेरा जब नहीं निकल रहा था बड़ा टेंशन हो रहा था दोस्तों। बाबू जब हम इधर काम कर रहे हैं बाथरूम में चला गया है, क्या चलेगा, जीवन यही है। कभी पाना है कभी खोना है जीवन का, तो यही फसाना है किसो। राधे राधे बोल, ब्लच कर ले हैं ब्लच। पानी पटा लिए हैं और क्या बोलते हैं उसको, टंकी की तरफ मोड़ दिए हैं क्योंकि टंकी में भी पानी नहीं है। और बच्चा देखिए, जब से मैं उधर थी तब से कंटिन्यू ये किया है, पूरा भींग गया है और ये ऐसा ही करता है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि रोज़ मैं दिखाई देती हूँ, दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग को लगता है ना कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा करती हूँ। क्योंकि आदमी देखिए घर से निकलता है ना, तो जैसे औरत ख्याल रखती है कि मेरा बाहर जा रहा आदमी, उसको खाना खिला के भेजना है, अच्छी से बात करना है, घर आए तो उसका ख्याल रखना है। मगर कुछ आदमी ना ये भूल जाते हैं कि घर से जाते समय कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके पीठ पीछे उसकी बीवी बखूबी निभाती है, घर संभालती है, बच्चे की बदमाशियाँ सहती है, खुद को कमरे में पैक करके रखती है। बंद करो ना, तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है ना कि हम औरतों के लिए कुछ अच्छा बोल के जाए ताकि अच्छा लगे। मगर इनको लगता है कि नहीं, हम तो बस जली कटी सुनने के लिए बने हैं। अगर आप सास ससुर के बीच में हैं, मैं सारी औरतों की बातें कर रही हूँ, तो उनके जली कटी सुननी पड़ती है और साथ में ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। और अगर आप पति के साथ अकेले रहिए तो पति कोई कसर नहीं छोड़ता है, वो अकेले ननद देवरानी गोतनी जेठानी जो जो होता है, जितने लोगों का कमेंट बाजी होता है, अड़ोसी पड़ोसी सबका रोल एक आदमी ही निभा देता है। और यही चीज़ मेरे साथ है, इतना सारा काम मैं करती हूँ, खुशी से करती हूँ, अच्छा लगता है, मगर ऐसा फालतू का बाटी कर जाता है ना कि मन बिल्कुल टूट जाता है। अभी सुबह ही जा रहा था, कल की बातें तो मैं बताई ही, रोज़ कुछ ना कुछ करता ही करता है। अभी सुबह जा रहा था दोस्तों, तो बच्ची ना बैग टांग ली थी, बहुत हैवी रहता है बैग, और उस बच्ची का देखें ये पतली दुबली है, अब मोटा भी रहने से क्या होगा, ताकत होना चाहिए शरीर में। वो बच्ची बोली कि पापा बैग ले लीजिए ना, वो दो तीन बार बोली, वो इग्नोर किया, मुझे चिल्लाना पड़ा। तो हम बोले कि वो बच्ची बोल रही है बैग उठा लो, तो तुम बैग ले सकते हो, गाड़ी में रख सकते हो, अपने कंधे पे लटका सकते हो। कहता नहीं नहीं, मैं तो इसका स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ। आप बताइए कितना बिगड़ा हुआ बोल है, वो छोटी सी बच्ची तुमको रिक्वेस्ट कर रही है बैग ले लीजिए और तुम इग्नोर कर रहा है, और अपना इग्नोरेंस को तुम स्टेमिना का नाम दे रहा है। आप ही सोचिए अच्छा लगेगा सुन करके, मैं सारी कोशिशें कर रही हूँ और तुम एक मिनट में सारा खराब कर देते हो। अब कुछ लोग बिना जाने समझे आते हैं, बोलते हैं पति अच्छा है, तुम ही ज़्यादा बोलती हो ज़्यादा, जब करता है ना कोई और इतना इतना झेलता है, उसको इतना परेशानी है, टेंशन है हर एक बात का ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने आप आता है। और जिनको अच्छा लगता है ना मेरा पति, मैं तो दिल से ही दुआ करती हूँ कि भगवान जिनको जिस चीज़ से खुशी मिले उनको वो खुशियाँ उनके घर में दे दूँ,
उनके घर में दे दो, उनकी बेटियों को दामाद के रूप में दे दो, चाहे तो अगर वो बैचलर है तो उनको दे दो, क्योंकि जब तक इन्हीं लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना, समझ में कहाँ आता है। तो मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, आपको अच्छा लगता है तो बेशक आपको मिलनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है भाई। इसीलिए मैं तो यही चाहूंगी कि इंसान सिंगल मर जाए, बट ऐसा आदमी ना मिले कि एक औरत को सब तरह का टेंशन हो जाए, वो भी मेरे जैसे हालत पे। आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि डिजेबिलिटी देख के किया शादी, तो डिजेबिलिटी के नाम पे मुझे कुछ भी तो मिलना चाहिए था ना, कि इसको आराम मिले। मैं तो एक नॉर्मल लड़की से भी ज्यादा कर रही हूँ यार, दिमाग में तो इतना टेंशन है कि खोल के देखा जाए ना, एक भी ना ऐसा नहीं होगा जिसमें कि कुछ चल नहीं रहा होगा। अभी बच्ची के लिए ही रोज मुझे बोलता है कि मैं ट्राईसाइकिल में अगर तुम जा सकती हो तो जाओ ना बच्ची को स्कूल से लेके आना, मेरा टाइम नहीं हो पाता है, चाहे तो कुछ ऐसा सुविधा करो। तो सुनती हूँ, मुझे कष्ट होता है, तकलीफ होता है इस बात से कि मैं, मुझे ही करना होगा। तो फिर कहाँ, तुम क्यों किए, नहीं करना चाहिए था तुमको, तुम एक नॉर्मल लड़की से शादी किया रहा था, वो बेचारी शायद इससे भी ज़्यादा कर देती, तुमको बोलना नहीं पड़ता, बट मुझे कष्ट हो जाता है। तो देखिए कंटिन्यू ऐसे ही करे जा रहा दोस्तों, चलती हूँ अभी इसका कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी, और मैं अभी नहाऊँगी नहीं, थोड़ी देर में नहाऊँगी, सगुन आएगी तब, क्योंकि उसको भी नहाना है और तब काम उम करूँगी। सगुन आ गई दोस्तों स्कूल से, और एक बात आप लोग से बताना जरूरी है, मैं ना जब से हम लोग से बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे काम करना था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास रहने के लिए कि कुछ दिन रहो, हम कुछ काम वाम करेंगे, पता भी कर लिए थे, मगर सब चला गया। तो इसीलिए हम भी सोचे कि लोगों से बात करके क्या फायदा, अपना जो परेशानी है वो तो हम ही को देखना है, बच्चों को लेके मरना है, जीना है, कैसे क्या करना है। तो बातचीत हम बिल्कुल नहीं किए थे, जब आई थी गई थी उसके बाद मैंने सारा नंबर ब्लॉक मार दिया था कि जब मुझे इसी हाल में रहना है तो फिर क्यों किसी से उम्मीद रखे। लेकिन लोग मुझे छोड़ते नहीं है, कहने का मतलब है ना मरने देंगे ना जीने देंगे। इधर जो ये थैला देख रहे हैं ना, तो ये थैला लेके लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी दरवाजा बंद था, सगुन आई है स्कूल से, तो आई उसके बाद फिर से कोई दरवाजा नॉक किया तो हमको लगा कौन है, क्योंकि मेरे घर तो कोई आता हुआता है ही नहीं। तो अभी किसू भी नंगू पंगू इसलिए दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग देख के समझ गए होंगे। देखिए तो पापा आ गए, अभी मैं बहुत ज्यादा डांट लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा। तो कहते क्या बेटी घर है, तो बेटी घर जबरदस्ती आएंगे, बताइए, जब बेटी से मतलब नहीं आप लोग को, बेटी किस हाल में है, तो ये झोला उला और सामान लेके आने का क्या मतलब है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बोल रहे चल ये झोला लेके जबरदस्ती अभी अभी यही रहेंगे, बताइए इन लोगों को क्या किया जाए, आप लोग सलाह दीजिएगा, क्योंकि हमको अभी कितना जरूरत है किसी का, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और रिक्वेस्ट किया गया था कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, घर में बहुत हमको टेंशन हो रहा है, बट ये लोग नहीं समझे, आप ही लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए, ये झोला खोलना चाहिए या झोला फेंक देना चाहिए। क्या कपड़ा पहनो सगुन, और बताइए खाना भी नहीं बना है, हम लोग तो जानते हैं कि थोड़ा सा बनाते हैं अपने हिस्से का, और आज तो और कम बनाए थे क्योंकि चावल दोबारा खाने का इच्छा नहीं करता है। तो बताइए क्या दे खाने के लिए, लोग हमको परेशान ही नहीं करते, बताइए। अभी मेरा प्लानिंग था नहाना धोना झाड़ू पोछा अभी करने का, और अभी फिर से हमको खाना बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती भेज दिए मम्मी, हम जानते हैं, गई थी बोल बम प्रसादी लेके भेजी है, चार पांच जगह से हमको फोन किया जा रहा था, इसके नंबर से फोन आता था, उसके नंबर से फोन, क्योंकि खुद का नंबर तो हम ब्लॉक मार दिए थे, किसी का फोन भी नहीं उठाते थे, हम जान रहे थे कि एक दिन ये लोग यही करेगा, झोला उठाएगा पहुंच जाएगा। अब वही है, देखिए इधर इधर पापा को पूछ रहे हैं कि क्या खाइएगा, लेके आए हैं अपना खाना झोला में, तो हंसते है, बोलते कोई खाना लेके चलता है, जब मर्जी चल गए। इंसान को तकलीफ होता है, दुख होता है ना, आदमी किससे उम्मीद रखता है, अपने ही से रखता है कि इस कठिन मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहिए आदमी को। मौका हमको देते तो हम कमा के अपने लिए भी कुछ कर पाते, इन लोगों के लिए भी करते, लेकिन इन लोगों को खुद ही भरोसा नहीं है, इसीलिए जैसा कि बताया खाना नहीं है घर में, मतलब तो पापा क्या खाते, तो रोटी बना दिए हैं दोस्तों, और दूध और रोटी दे देंगे, क्योंकि सब्जी तो बचा नहीं है, भुजिया बनाए थे और दाल और साग, कुछ थोड़ा सा दाल साग बचा है, और खा लेंगे रोटी। सगुन को एक घंटा हो गया, अढ़ाई घंटा, मतलब ढाई बज गया है, वो आई है दो बजे, डेढ़ बजे, दो बजे अभी तक खा ही रही है। चलते हैं नहाते हैं, फिर नहा के मिलेंगे सीधा आप सभी से, और पापा बर्तन धो रहे हैं, क्या फ़ायदा एक दो दिन करने से, बाकी तो
रोज मुझे ही मरना है, मगर क्या कह सकते हैं। तो फाइनली नहा लिए, नहाना भी एक टेंशन है मेरे लिए, क्योंकि इतना वक्त जो बाथरूम में लगाते हैं ना, मन करता है कि वो वक्त में हम बस लेटे रहें, बैठने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। कमर ऐसा नहीं होता, हम एनी टाइम ऐसे झुके रहते हैं सीजर के वजह से। और बारिश इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से गर्मी बढ़ा हुआ था, एक दो सप्ताह हो गया था, तो काफ़ी बारिश हो रही है। पापा यहाँ खाना बना के दिए, लेकिन पापा खा नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब पापा भी आते हैं ना, तो बच्चा से भी ज़्यादा परेशान करते हैं, इनके पीछे भी चिल्लाना पड़ता है, खा लीजिए, नहा लीजिए। मतलब मेरी जीवन में इतनी जिम्मेदारी है कि बता नहीं सकते, कोई मानने को भी तैयार नहीं होगा कि मैं उठाती भी हूँ जिम्मेदारी। तो इधर सगुनी मामा भी है, एक घंटा चिल्लाई अभी खाना खाने में, तब जाके खाना कंप्लीट हुआ। वो बच्चा सुबह से नंगू पंगू था, अभी उसको चमेटा लगा के दोस्तों उसको कपड़ा पहनाया है। अब लोग भेज तो दिए थैला, लेकिन मैं वीडियो देखते हैं लोग, तो मैं बस बताना ये चाहूँगी कि थैला तो भेजा गया, मैं इस बार खोल ले रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग इस विषय में विचार नहीं करते हैं तो दोबारा फिर से ना मैं बात करूँगी, और नहीं कभी नहीं करूँगी, और ये सारी चीज़ें मैं लौटा दूँगी, और जो मेरे दरवाजे पे आएगा या तो मैं उसे भगा दूँगी या तो मैं खुद ही भाग जाऊँगी। तो इस बात पे गौर फरमाया जाए। और अभी भी हम बहुत ज़्यादा नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है ना सगुन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को भी दिखाते हैं कि लोग इसमें क्या क्या भेजे हैं और भेजने का क्या आवश्यकता था। ये पापा का कपड़ा है, पापा का कपड़ा है, और ये मिठाई है। घूमने गए थे लोग बोल बी से लेके आए हैं। मूढ़ी है, मिक्सर है, सत्तू है, सत्तू है, ये छानने वाला है, मिर्ची है, और इसमें दोस्तों कुछ चीजें हैं, वेजिटेबल है दोस्तों, मकई है, भिंडी है, प्याज है, और कुंदरी है। कुंदरी सगुन का फेवरेट होता है, इसको कुंदरी बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी तो बारिश, यही रोज होगा तो यही कचकच हो जाएगा दोस्तों, लेकिन एक आध बार होता है तो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ खा लो। इधर बाबू का ये टी शर्ट है दोस्तों, बोलबम में जो मिलता है, गेरुआ गेरुआ रंग का। और इधर कुछ हीरे मोती भी आए हैं दोस्तों सगुन के लिए, ये गले का, इसका, ये इसका हाथ पहनने का, ये मेरा बैंगल्स है जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, पता नहीं लोग क्यों भेजे हैं। और मुझे अब साधु भी बनना है, सन्यासी भी बनना पड़ेगा, ये आया है। और इतना कुछ है दोस्तों, और हाँ, और इसमें चूड़ा है दोस्तों, तो करीब करीब हम दिखाई दिए लगभग जो था वो। तो इतना सब रायता मैं फैलाई हूँ, तो ये लड़का समेटने पे है, इसको लग रहा है सब छूने मिल जाए और ये वो करे, और मैं इस फिराक में भी सबको वापस वहाँ वहाँ रख दूँ। तो दोस्तों अब जा रही हूँ सब रखने समेटने, जो बच्चों को चाहिए दूंगी, और इसको पढ़ाना है अभी वापस से 2-3 घंटा, फिर से मेरा सर दर्द होगा। रिलैक्स नहीं है जीवन में, लेना भी नहीं चाहती हूँ रिलैक्स, मगर मतलब थोड़ा सा बच्चे करे तो मुझे कोई दिक्कत ना है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुशअप करना पड़ता है इसलिए परेशानी हो जाती है, मगर कोई नहीं। आप लोग है ना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग इस विषय में ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, क्या शादी करने के बाद बेटी से जिम्मेदारी इंसान का हट जाना चाहिए, या फिर बेटी मरी हुई ठीक है, या फिर जिंदा है लेकिन उसका जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है वो ठीक है। तो आप सब लोग प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, क्योंकि अधिकतर बेटियों के साथ यही होता है। कुछ कुछ बेटियां ऐसी होती है जिनका नसीब अच्छा होता है तो उनके साथ सब कुछ ठीक ठीक रहता है, मगर कुछ ऐसे भी होती है जिनके साथ कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो आप लोग राय ज़रूर रखिएगा। और अभी पापा खाना खाने गए हैं फाइनली, बहुत बोलने के बाद। तो चलिए बाय बोलो किसू, बाय बाय अंकल आंटी, तुम भी बाय बोलो, अच्छे से बोलो, उसको फट नहीं रहा है इसीलिए परेशान है। चलिए दोस्तों बाय।